तीन ऐसी खबरें जो आपका दिल दहला देंगी। जी हाँ, दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कहीं छेड़खानी की शिकायत पर आरोपी लड़के लड़की को सरेआम पीट देते हैं, तो कहीं छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा की बुरी तरह से पिटाई की जाती है। यही नहीं, दूसरे अपने भी बेटी होने की सजा देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एक 2 दिन की बच्ची के साथ, जिसे उसके ही मां बाप ने मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया। दिल्ली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें किसी का भी खौफ नहीं है। आनंद पर्वत के पंजाबी बस्ती में मंचलों ने छेड़खानी का की शिकायत की पुलिस से शिकायत करने के बाद सरेआम लड़की को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यही नहीं, उसके परिवार के साथ भी मारपीट की गई। बता दें कि मामला शनिवार का है। मंचले लड़कों ने पीड़िता का के साथ छेड़खानी की, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मामला हल्की धाराओं के तहत दर्ज किया और जमानत के अगले ही दिन पीड़ित लड़की और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई। सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बदमाश पीड़ित के साथ मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित लड़की और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं ये तमाम तस्वीरें। पुलिस ने आनन फानन में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे स्थानीय पुलिस क्या कर रही है और क्या कह रही है इस मामले में। मामला भले ही पुलिस ने दर्ज कर लिया था, लेकिन धाराएं इतनी हल्की लगाई गई कि निकलने के बाद फिर से उन्होंने पीड़ित पर ही हमला बोल दिया। जी देखिए, बिल्कुल, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस अपनी किरकिरी होने से बच रही थी, और जिस वक्त ये पूरा मामला मीडिया में आया और सीसीटीवी फुटेज आया, उसके बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है। और जो 3 लड़के हैं, गोविंद, चुन्नू और सोनू, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कल देर रात में, और इन्हें कोर्ट में पेश किया था। और इसके बाद ये तीनों इस समय तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में 14 दिनों की। पुलिस का कहना था कि पहले जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था वो बेलेबल ऑफेंस था, इसलिए कानूनी मजबूरी के चलते उन्हें बेल मिल गई थी उन लड़कों को, और उसके बाद उन्होंने फिर से ये दुस्साहस करा कि ये पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की, और जो बीच बचाव करने आए थे लोग उनके साथ भी मारपीट की, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये लचर कानून व्यवस्था का साफ तौर पे जीता जाता उदाहरण है कि दिल्ली में दिन दहाड़े इस तरह की वारदात होती है, और उसके बाद ये वही आनंद पर्वत की जगह है जहाँ पे कि मीनाक्षी नाम की एक लड़की का मर्डर हो जाता है, और जिसको लेके तमाम राजनीति भी हुई थी, और उसमें भी ये आरोप लगे थे दिल्ली पुलिस के ऊपर कि पीड़ित लड़की के परिवार से लगातार पुलिस को शिकायत दी गई थी कि जो लड़के हैं वो परेशान करते थे, उसके बावजूद भी एक्शन लिया गया। इस पूरे मामले में भी यही घटना सामने आई है कि जब एक परिवार के साथ लगातार मारपीट हुई है और पीड़ित परिवार अगर पुलिस के पास पहुंचता है और वो आरोपी आसानी से छूट जाते हैं बेल पर, उसके बाद फिर से ही पूरी तरह से वारदात को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली में जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है उसकी साफ तौर पर जीती जाती मिसाल है घटना। बिल्कुल, अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, सीसीटीवी में तमाम तस्वीरें ये इस बात की बानगी देती हैं। लेकिन मैं ये भी आपसे आनंद तिवारी अब जानना चाहेंगे कि पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या कह रही है, क्या अब धाराएं सख्त लगाने की बात पुलिस कर रही है, क्योंकि पहले एक बार शिकायत की गई और उसके बाद भी अगर अपराधी उनमें किसी तरह का खौफ नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि पुलिस को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए, अगर पहले ही पुलिस जो धाराएं अब पुलिस ने लगाई है इन तीनों लड़कियों के ऊपर वो नॉन अवेलेबल धाराएं थी, मैंने कि वो ऐसी धाराएं थी इसमें कि कोर्ट में पेश होना जरूरी है आरोपियों का, और उसके बाद कोर्ट ये तय करता कि इन्हें जमानत देना है या इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजना है। तो पुलिस का कहना है कि कल रात में जिन 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है, गोविंद, चुन्नू और सोनू, इनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वो नॉन अवेलेबल थी, इसलिए कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है 14 दिनों की कस्टडी में। इस पूरे मामले में कुछ और लड़के हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है, पुलिस का कहना है, जिसको लेके लगातार छापेमारी की जा रही है। 3 और लड़के हैं जो अभी भी इसमें फरार बताए जा रहे हैं, क्या कह रही है पुलिस उसको लेकर? ये देखिए, पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से तमाम जो क्लूज है वो मिले हैं, और आसपास ये 3 लड़के हैं, इन्होंने भी बाकी लड़कों के बारे में बताया जो इस पूरी घटना में शामिल थे, और उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन अब तक ये लड़के हैं जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए, पुराना बैकग्राउंड भी इनका खंगाला जा रहा है कि क्या पहले भी इस तरह की ये मारपीट या आपराधिक किसी प्रवृत्ति के रहे हैं क्या, ये तमाम चीजें पता लगाने की पुलिस इस समय कोशिश कर रही है। शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिए। आनंद तिवारी हमारे संवाददाता जानकारी हमें इस मामले में दे रहे थे।
तो फिलहाल तीन आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनको लेकर अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है। बढ़ते आगे, दिल्ली के संत नगर में एक छात्रा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि अश्लील कमेंट करने का विरोध करने पर कुछ लड़कों ने उसके साथ मारपीट की और उसके दोस्त को भी पीटा। पीड़िता का कहना है कि रात को तकरीबन 2:30 बजे उसका दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए आया था, तभी कुछ लड़कों ने अश्लील कमेंट करना शुरू कर दिया और जब विरोध किया गया तो उन लड़कों ने बियर की खाली बोतल दोनों के सर पर मार दी। छात्रा का आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है, बल्कि उसने जबरन लिखवा लिया है कि वो मामला दर्ज नहीं कराना चाहती। पीड़िता ने ट्वीट कर IBIN 7 से मदद की गुहार लगाई है। उनका रोज का काम है और ये पहली बार नहीं कि उन्होंने मुझ पे कमेंट किया। कई बार हम दोनों भी बाहर निकलते हैं, मेरी जो यहाँ पे दोस्त रहते हैं हम लोग भी बाहर निकलते हैं, उन पे भी कमेंट किए जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कुछ और लड़कियाँ भी वहाँ से निकल रही तो उन पे भी कमेंट किया जाता है और दे आर वेरी लाउड। वो फर्स्ट फ्लोर से या बहुत ऊपर वाले फ्लोर से कमेंट करते हैं तो वो पूरी सड़क पे आवाज़ गूंजती है उनकी और लोग देखते हैं। और लोग नहीं, कुछ कोई कोई नहीं बोलता, किसी में गट्स नहीं है कुछ बोलने के। और जिसने आज बोला है, आई एक्चुअली टुक माई स्टैंड एंड दिस इज द रिजल्ट जो मेरे साथ हुआ है, और मेरे को कहीं से कोई सपोर्ट तो आता हो दिख नहीं रहा। पहले तो जब घर पे आई है इतनी सारी पुलिस तो हमें शायद लगा कि नहीं, मे बी ये सिक्योरिटी पर्पज से आए हैं, हम लोग सिक्योर फील कर रहे हैं, आप शायद इतनी सारी पुलिस आई है। लेकिन जैसे ही हम इस घर से बाहर निकले हैं और उन्होंने हमें जिस तरह से बोला कि आप लोग उस गाड़ी में बैठिए और उसके बाद आपको थाने जाना पड़ेगा, वहीं से समझ आ गया। हाँ, वहीं से समझ आ गया था कि गलती शायद हमारी ही है, हमें मुजरिमों की तरह लेकर जा रहे हैं और जिन्हें एक्चुअली पकड़ना चाहिए उन्हें वो लोग पकड़ ही नहीं रहे। बहुत हैरानी की बात है कि पुलिस यहाँ पर उस पीड़िता को ये कहती है, दबाव बनाती है कि आप मामला दर्ज ना कराएं। तो ये दिल्ली की हालत है। एक तरफ आनंद पर्वत की खबर हमने आपको दिखाई, जहां पर मंचलों की शिकायत करने पर मामूली सी धाराओं के बाद जब वो छूट कर आते हैं तो किस तरीके से वापस उन्हीं के साथ मारपीट करते हैं जिन्होंने शिकायत की। दूसरी तरफ अगर छेड़खानी का विरोध करने पर कोई महिला जाती है पुलिस के पास शिकायत करने के लिए तो पुलिस ये कहती है कि मामला दर्ज ना कराएं, समझा बुझाकर उस लड़की को वहां से भेज देती है ये कहकर कि आप मामला दर्ज ना कराएं। ये गुहार उस लड़की ने IBIN 7 से लगाई, ट्वीट करके कहा कि उसकी मदद कीजिए। इसीलिए IBIN 7 सामने आया इस लड़की की मदद करने के लिए, जिसमें लड़की से हमने बातचीत की और उसने बताया कि क्या कुछ हुआ उसके साथ। सिर्फ वही शिकार नहीं है बल्कि तमाम वो लड़कियां जो वहां पर रहती हैं उन सभी पर इस तरह की फब्तियां कसी जाती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली का हाल है, देश की राजधानी दिल्ली, जिसको देश का दिल कहा जाता है। लेकिन दिल कितना बड़ा है ये आप इन तस्वीरों में अंदाजा लगाइए। एक तरफ एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है, पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराती, दूसरी तरफ छेड़खानी का विरोध करने पर शिकायत दर्ज भी होती है, धाराएं इतनी मामूली लगाई जाती हैं कि आरोपी निकलकर वापस उन्हीं पर हमला बोलते हैं, और तीसरी तरफ 2 दिन की एक मासूम को किस तरीके से माँ बाप सरेआम छोड़कर चले जाते हैं। वही खबर आपको दिखाएंगे, उम्र महज 2 दिन है और दुनियादारी के बारे में शायद ये बच्ची नहीं जानती और ना ही जानती है कि नफा और नुकसान क्या होता है, लेकिन उसे फिर भी सजा दी गई, सजा बेटी होने की। सिर्फ 2 दिन की बच्ची को एक बेदर्द माँ बाप मेट्रो स्टेशन पर छोड़कर चले गए। दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पर कल रात करीब 10:45 बजे 2 दिन पहले जन्मी बच्ची को उसके माँ बाप छोड़कर भाग गए। मेट्रो स्टाफ ने तुरंत बच्ची को पहले हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद इस बच्ची को अभी एक एनजीओ के हवाले कर दिया गया है। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आनंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, कुछ खबर मिल पाई है इस बच्ची के माँ बाप के बारे में, क्योंकि वहां पर मेट्रो स्टेशन में जहां पर इस बच्ची को छोड़ा सीसीटीवी भी लगे होंगे, क्या उसके जरिए कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, बिल्कुल, सीसीटीवी से एक अहम सुराग पुलिस को मिला है। 10:45 पर एक 50 साल के एक दंपत्ति है जो इस बच्ची को छोड़ के जा रहे हैं फुटओवर ब्रिज पे। तो पुलिस का ये शुरुआत में लग रहा है कि हो सकता है कि ये बच्ची के माँ बाप ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये बच्ची के कोई रिश्तेदार हो या बच्ची को चुराने वाला कोई गिरोह हो जो बच्ची को कहीं से चुरा के और यहाँ पर डर के मारे मेट्रो स्टेशन के बाहर फुटओवर ब्रिज पे छोड़ के भाग गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने हालांकि केस जरूर दर्ज कर लिया है CRPC की धारा में, लेकिन अब तक बच्ची के ना ही माता पिता का कोई सुराग हाथ लग पाया है और ना ही पुलिस ये समझ पा रही है कि ये बच्ची 2 दिन पहले जन्मी है तो क्या इसे
जो इसके माँ बाप है वो छोड़ के भाग गए हैं या इस बच्ची को किसी अस्पताल से चुराया गया है, उसको लेके एक एडवाइजरी भी जारी करी है दिल्ली पुलिस ने मीडिया के माध्यम से कि अगर किसी भी अस्पताल से कोई बच्ची या किसी के घर से कोई बच्ची चोरी हुई है जिसका 2 दिन पहले जन्म हुआ है तो वो पालना एनजीओ एक सिविल लाइन में उससे संपर्क कर सकता है या दिल्ली पुलिस से संपर्क कर सकता है। फिलहाल बच्ची सुरक्षित है और अस्पताल में इसका इलाज हुआ था बच्ची का, क्योंकि 2 दिन पहले इसका जन्म हुआ और काफी देर से ऐसा लग रहा है कि बच्ची फुटपाथ पे वहां पे इसे छोड़ के कोई गया था। तो फिलहाल ये पालना एनजीओ जिसके सुपुर्द जिसको किया गया इस बच्ची को। नजर बना रखिए, बहुत शुक्रिया आपका आनंद तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए। आनंद तिवारी हमारे समाता जानकारी हमें दे रहे थे।